सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मैं हूं आपका मृत्युंजय पंड्या। एंड गाइस, स्टार्ट करने वाले हम लोग आज की क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो गाइस, जैसा आप लोग सब जानते हो, हम लोगों ने इसके पहले एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों को आज से स्टार्ट करनी है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग सब जानते हो, इसके पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी थी, SN1 SN2 देखा था हमने, उसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी देखे थे, इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, इनेंशियोमर, कायरेलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब वो टॉपिक वहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले, दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। गाइज, एक छोटा सा अपडेट, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अनअकैडमी पर मेरे जितने भी लेसन्स हैं, जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, उसकी मैंने लिंक मेंशन कर दी है। आप लोग उन लिंक्स पर जाइए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और मुझे यानी मृत्युंजय पंड्या को फॉलो कीजिए, और ढेर सारे फ्री वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं जिनमें मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आप लोग वो भी देखिए, तो आपको एक ड्यूअल प्रिपरेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप वीडियो से कंसेप्ट समझिए, अनअकैडमी पर एक बार वीडियो देखकर नोट्स देख लीजिए, और अब तो वो नोट्स डाउनलोडेबल भी हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में आप वहाँ पर ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। गाइस, जब कभी भी आप किसी भी हेलो अल्केन को, किसी भी आपके हेलो अल्केन को अगर आप रिएक्ट करवाते हो एल्कोहोलिक KOH के साथ, आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? अल्कोहोलिक KOH के साथ। ठीक है, तो जब आप इसकी रिएक्शन अल्कोहोलिक KOH के साथ करवाते हैं, सो एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के पास में एक हेलो अल्केन है, ये मैंने हेलो अल्केन बना दिया, यहाँ पर आपका हेलोजन है, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो ये आपके हाइड्रोजन्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? गाइस, वो कार्बन जिससे आपका कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इस कार्बन को हम लोग हमेशा नाम देते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन को हमेशा क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ऐसे कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। सच कार्बन्स आर कॉल्ड एज बीटा कार्बन। सिमिलरली, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कार्बन हाइड्रोजन्स को बोला जाता है बीटा हाइड्रोजन्स। सच हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। तो ऐसे हाइड्रोजन्स को आप लोग क्या नाम देते हैं? बीटा हाइड्रोजन। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नाउ, अगर आप इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हो, सो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, सबसे पहले अल्फा कार्बन से हेलोजन को निकालता है, सबसे पहले अल्फा कार्बन से हेलोजन को निकालता है और KX बन के बाहर हो जाता है। यहां से पोटेशियम, यहां से हेलोजन, KX बन के बाहर हो जाएगा। फिर ये जो OH बचेगा, ये OH जाकर किसी भी एक बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो जब ये OH बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो आपको मिल जाएगा H2O। अब इस हेलो अल्केन को जब आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि दो कार्बन्स अपनी पोजीशन पर हैं, यहां अल्फा कार्बन से हेलोजन जा चुका है और बीटा कार्बन से एक बीटा कार्बन जा चुका है, बीटा कार्बन से एक बीटा हाइड्रोजन जा चुका है। तो अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड आपको इस कंपाउंड का कोरस्पॉन्डिंग अल्कीन मिल जाएगा। ये अल्कीन का नाम होगा इथीन, क्योंकि ये जो कंपाउंड था, इट इज कॉल्ड एज 1-chloroethane। सो 1-chloroethane का कोरस्पॉन्डिंग अल्कीन क्या होगा? इथेन का इथीन। तो आपको इथीन मिल जाएगा। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस का एक नाम और होता है, इन रिएक्शंस को एक नाम और दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। व्हाई कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस? क्योंकि
बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, और इस वजह से ऐसी रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है। गाइस ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक KOH हमेशा एलिमिनेशन में हमारी मदद करेगा। प्लीज हैव अ लुक एट द रिएक्शन, एक बार इस रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम एक छोटा सा रूल पढ़ते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आप आपके किसी भी हेलो अल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवा सकते हो। एक और अच्छी बात यह है कि ये रिएक्शन सिर्फ हेलो अल्केन्स में ही एप्लीकेबल नहीं है, ये अल्कोहल वगैरह में भी आप यूज कर सकते हो। तो जब हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़ाएंगे तब आपको दिखेगा कि हम लोग तो इसको और जगहों पर यूज कर रहे हैं। गाइस एक रशियन केमिस्ट थे, जिनका नाम था एलेक्जेंडर जेट्सेव। स्पेलिंग जेट्सेव है बट इनका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है इनको सेट्जेव बोला जाता है। द रियल प्रोनाउंसिएशन इज सेट्जेव। बात है 1874 के आसपास की। इन्होंने एक लॉ, एक रूल प्रोड्यूस किया, एक रूल बताया जिसे हम कहते हैं सेट्जेव लॉ। सेट्जेव लॉ, ये सेट्जेव लॉ क्या कहता है ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कंपाउंड है CH3, CH2, यहां पर मैं ब्रोमीन लगा देता हूं, हाइड्रोजन CH3, यहां पर भी मुझे CH को थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। अब आप इस कार्बन को देखिए, अब अगर आप इस कार्बन, इस कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करोगे, सो बेटा यहां पर देखिए ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है क्योंकि इससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये कार्बन भी बीटा कार्बन हो जाएगा और ये वाला कार्बन भी बीटा कार्बन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन हमेशा बीटा कार्बन होते हैं। तो ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो अब आपके पास यहां पर दो अल्कीन्स बनाने के चांसेस हैं। पहले अल्कीन में मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा CH3, CH2, CH, एक हाइड्रोजन यहां से जा चुका है, डबल बॉन्ड, यहां से ब्रोमीन जा चुका है, यहां से हाइड्रोजन जा चुका है, यहां से ब्रोमीन जा चुका है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप जा चुका है, सिंगल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पेंट टू इन। यहां से अगर आप अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करोगे तो अब मैं यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH, ब्रोमीन चला गया, डबल बॉन्ड CH2, इसे हम बोलेंगे पेंट वन इन। दो अलग अलग अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है। तो सेट्जेव रूल कहता है, वो अल्कीन ज्यादा बनेगा जिसके डबल बॉन्ड के पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे। तो आप अगर इस पेंट टू इन को देखो तो बेटा ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके पास इधर एक मिथाइल ग्रुप है और इधर एक इथाइल ग्रुप है। लेकिन अगर आप इस पेंट वन इन को देखोगे तो इसके इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में इधर कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप तो है लेकिन इसके पास कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी। ये रिएक्शन में 19% देखने को मिलेगा और इसकी यील्ड ज्यादा होगी, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी 81%। ठीक है, तो कौन सा अल्कीन फॉर्म होगा जिसके डबल बॉन्ड कार्बन के पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे। सो अल्कीन विच हैव मोर अल्काइल ग्रुप अराउंड डबल बॉन्ड कार्बन विल बी मेजरली फॉर्म्ड एंड दिस रूल इज कॉल्ड एज सेट्जेव रूल। तो गाइस सेट्जेव रूल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में लगेगा। यहां पर इन दोनों कार्बन के पास इधर भी एक अल्काइल है, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप है, लेकिन इसके पास इधर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, इधर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। आ गई बात समझ में?
सो दिस इज योर सेट्जेफ रूल। सो गाइज आई होप वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसे ढेर सारे वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू ऑल, बाय एवरीबॉडी, सी यू।